अरे आप लोग कब आए? अच्छा 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 टाइटल देख के आए क्या? ठीक है ठीक है, टाइटल देख के आ ही गए हो तो उसी टॉपिक पे बात करते हैं। सो चेक दिस वीडियो आउट। इसमें मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू व्लॉग लाइक ए प्रो यूजिंग योर फोन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो व्लॉग में होती है वो होती है स्टोरी टेलिंग। जब तक तुम लोग को अपने व्लॉग का स्टोरी बताना नहीं आता पूरे दिन का, तब तक वो व्लॉग बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि स्टोरी टेलिंग कैसे करें। तो दोस्तों, मैं अभी जो भी तुम लोग को बताऊँगा वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है वो तुम लोग को बताऊँगा, और वो मैं कैसे अपने व्लॉग्स में अप्लाई करता हूँ, वो कितना अच्छा दिखता है, वो सब बताऊँ। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। जब तुम लोग व्लॉग में बात करते हो और तुम लोग के आजू बाजू बहुत से लोग होते हैं, और ख़ास करके इंडिया जैसे कंट्री में लोग तुम्हें घूरना चालू कर देते हैं, उससे तुम्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टार्टिंग में सबको थोड़ा हिचकिचाहट होता है ऐसा पब्लिक में व्लॉग करने, पहले मुझे भी होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब तुम बात करना स्टार्ट करोगे तभी तुम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर तुम लोग पब्लिकली बात नहीं करो कैमरा पे तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी ऊपर आएगा ही नहीं। अगर तुम लोग सोचोगे कि इतनी सारी पब्लिक है, मैं कैमरा निकाल के कैसे बात करूं, अभी सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो ये सब सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी सोचे, अगर तुमको तुम्हारा चैनल ग्रो करना है, तुमको अगर व्लॉग करना है दिल से, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। तुम अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, और अगर तुम लोग गलत होते हो तो ठीक है, गलती से ही लोग सीखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ दिस कि तुम लोग को अपने व्लॉग्स में अच्छे से बात करना है, कॉन्फिडेंटली बात करना है, बिल्कुल भी ऐसे एकदम ये नहीं हो जाना है, ऐसे नहीं होना है, हिचकिचाना नहीं है। अगर तुम चूकते हो बात करते करते तो भी कंटिन्यू रखना है, जैसे मैं करता हूँ। मैं भी बहुत बार चूकता हूँ बात करते करते, लेकिन मुझे पता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आगे मेरा जो टॉपिक है उस चीज़ पर बात कर सकता हूँ। वैसे ही तुमको भी करना है। अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई तू तो ऐसा बोल रहा है, तू तो इतने टाइम से कर रहा है, तो तुझे तो आएगा ही ना कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं होता। जब भी तुम कोई चीज़ बार बार करते हो और वही जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करते हो, तो तुम उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो। और नेक्स्ट चीज़ है तुम लोग का तुम लोग जो जगह पे जा रहे हो वो चीज़ का पूरा इन्फॉर्मेशन देने के बारे में। तो अभी अगर समझो तुम लोग मरीन ड्राइव्स जा रहे हो, मरीन ड्राइव्स पे अगर तुम लोग तारापुर वाला एक्वेरियम जा रहे हो, मरीन ड्राइव्स में नहीं है वो ही लेन में है, तो वहाँ पर जा रहे हो तो तुमको सब चीज़ बतानी पड़ती है पर्टिकुलरली कि तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कितना टाइम लगेगा वहाँ जाने में, और व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो, वो सब तुम लोग को अपने ब्लॉग में बताना होता है। तो तब तुम लोग ऑडियंस कनेक्ट करते हो कि ऑडियंस को लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ये जहाँ जा रहा है वो सब चीज़ें बता रहा है, तो हमें इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और इसके वीडियोस देखते रहना चाहिए। तो वैसे तुम लोग भी मेरा सब्सक्राइब कर लो चैनल क्या लिंक किया मज़ा। तो वैसे तुम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो। और अगर कोई तुम्हारा दोस्त है जो व्लॉग करना चाहता है और उसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। ऑलराइट गाइस, तो अभी आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑफ व्लॉग, जिसके वजह से लोग तुम्हारा व्लॉग देखने आते हैं, वो होता है सिनेमैटिक शॉट्स, मोन्टाज शॉट्स। तो मोन्टाज शॉट्स कैसे लेने हैं, सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लेने हैं, ये चीज़ के ऊपर बहुत लोग रिसर्च करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो होती है सिनेमैटिक शॉट्स की, कि तुमको ये प्रोफेशनली सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ एकदम प्रोफेशनली होती है। जैसे मैंने पहले कहा, तुम जब धीरे धीरे करोगे तुम्हें आइडिया आएगा हर चीज़ के बारे में कि कैसा करना है। तो तुम लोगों को मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लेते हैं। तो गाइस, अभी मैंने तुम लोग को ये जो बताया, ये होता है एक नॉर्मल सिनेमैटिक शॉट, जो बेसिक सिनेमैटिक शॉट जिसको बोलते हैं वो होता है। मतलब तुम जहाँ पे हो, जहाँ जा रहे हो, जैसे जा रहे हो, उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड करके, थोड़ा अपना इमोशंस दिखा के। सिनेमैटिक शॉट्स में इमोशंस, क्रिएटिविटी, उन लोगों को सब चीज़ दिखाना पड़ता है, तभी जाके वो एक प्रॉपर सिनेमैटिक मोन्टाज शॉट बनता है। तो ये एक नॉर्मल शॉट था। मैं तुम लोग को अभी एक ऑब्जेक्ट सिनेमैटिक शॉट कैसे लेते हैं वो भी बता देता हूँ। गाइज़ ये बहुत ही घटिया ट्रांजिशन था, आई नो, लेकिन मैंने तुम लोग को सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए ये ट्रांजिशन बताया कि एक तुम ऑब्जेक्ट से कैसे स्टोरी पूरी बता सकते हो कि तुमने यहाँ से स्टार्ट किया और तुम्हारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म हुई, वो कैसे तुम ट्रांजिट करके अपने ऑब्जेक्ट से बता सकते हो। तो वो एक पॉइंट है सिनेमैटिक शॉट का। ओके, तो आ जाते हैं सबसे एंड के टॉपिक पे, दैट इज़ आउट्रो। और थोड़े थोड़े लोग क्या करते हैं तुमको बता देता आउट्रो में कि अभी आउट्रो है ना तो ऐसे ही ख़त्म कर दो, बस हो गया। ऐसा कभी भी मत करना अपने आउट्रो के टाइम पे, क्योंकि आउट्रो ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ब्लॉग। क्योंकि तुम जहाँ पे हो वहाँ से तुम जा रहे हो, उधर की भी अगर तुम लोग जर्नी बताओगे तो व्यूअर्स तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, तुम्हारा वॉच टाइम बढ़ेगा वो चीज़ के वजह से। मैं पहले ऐसे बहुत करता था कि अभी हो गया ना ख़त्म उधर का सब शूट करके, अभी ट्रेन में जाओ, घर पे पहुँचो, घर पे पहुँच के या फिर स्टेशन पे पहुँच के सीधा आउट्रो करके ख़त्म करो। ऐसा कभी मत करो। कभी भी तुम लोग घर जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तुम्हारा ब्लॉग ख़त्म करना है तुमको, तो एक प्रॉपर आउट्रो, प्रॉपर एंडिंग दो अपने ब्लॉग को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो व्यूअर्स को कनेक्ट करके रखती है तुम्हारे ब्लॉग में, मतलब रुका के रखती है तुम्हारे ब्लॉग में, वो छोड़ के नहीं जाते कि ये क्या है, डायरेक्ट बता दिया क्या, मज़ा ही नहीं आया। तो लोगों को तुम्हारा ब्लॉग देखने में मज़ा आना चाहिए, तो वैसा अपने ब्लॉग को बनाओ। तो आउट्रो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ब्लॉग, सो डोंट फॉरगेट। ओके व्लॉगर्स, तो आई होप तुम लोग को वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ भूलना मत, क्योंकि सब्सक्राइबर की सख्त ज़रूरत है। ये साल में कंप्लीट करना है, मेरा जो एम है वो मुझे अचीव करना है। सो प्लीज़ हेल्प मी इन दिस। शेयर करो, जो भी देख रहे हैं वीडियो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करना भूलना मत। और विल मीट इन अदर वीडियोज़। और अगर तुम लोगों को कोई ऐसा ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल मीट इन अदर वीडियो। सो बकल अप फॉर बाय बाय।